हेलो हाय नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। स्वागत है आपको मेरा यूट्यूब चैनल संगीता मेहता ब्लॉग पे। ब्लॉग की शुरुआत में आज सुबह सुबह से अपने ही घर से कर रही हूँ, क्योंकि आज का ब्लॉग बहुत खूबसूरत होने वाला है। क्योंकि आज के ब्लॉग में मैं ना बैजनाथ मंदिर जो धाम है ना, उसको आज के ब्लॉग में दिखाऊंगी आप लोगों को। बहुत सारी जानकारियाँ मिलेंगी आप लोग को बैजनाथ मंदिर के बारे में, तो आप लोग मेरे ब्लॉग को पूरा देखें, स्किप बिल्कुल ना करें। और पसंद आए तो लाइक करना और कमेंट भी करना। अगर चैनल में नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, क्योंकि हमारा उत्तराखंड देवभूमि है। यहाँ के इतने रहस्यमय मंदिर हैं, तो मैं धीरे एक एक करके हर मंदिर का रहस्य आप लोगों को बताऊंगी। लेकिन फिलहाल आज मैं बैजनाथ मंदिर का रहस्य आप लोगों के सामने लेके आऊँगी। बैजनाथ मंदिर में बहुत ही प्यारा एक झील है, और जिसमें बोटिंग की सुविधा भी है। और सच में इतना खूबसूरत धाम बैजनाथ धाम है ना, कटुरी राजाओं के टाइम से बना हुआ, वो कटुरी राजाओं द्वारा बनाया गया वो मंदिर है। और गरुड़ को मतलब कटुर बोला जाता है। गरुड़ और बैजनाथ के बीच में ये मंदिर स्थापित किया गया है। इस मंदिर में अब इस मंदिर का अपना एक महत्व है। बहुत ही खूबसूरत और आलिशान मंदिर है। और आप आज का ब्लॉग स्किप ना करें, आप आज का ब्लॉग पूरा देखें, क्योंकि मैं मंदिर के बारे में बता रही हूँ, बैजनाथ मंदिर के बारे में। सच में आजकल ना टूरिस्टों का बहुत ज़्यादा आवागमन हो रहा है वहाँ, और बहुत चहल पहल है। बहुत ही अच्छा, मन को शांति देने वाला धाम बैजनाथ धाम है। तो चलो आप लोगों को मिलाती हूँ बैजनाथ मंदिर में। जूस भी मिल गया हमको दीदी के वहाँ। और ये देखो ना, ये मेरी बुराई करने में फर्स्ट रहते हैं मेहता जी। ये सपड़ैक सपड़ैक सब जगह जूस भी दे रहे हैं और हर जगह मेरी बुराई करते हैं। हाँ, दीदी भी बैठी हुई है। और दीदी का मस्त वाला एकदम नया नया घर दीदी ने बनाया हुआ है, और बहुत प्यारा घर बनाया है। तो यहाँ दीदी के वहाँ पहुँच के, रास्ते में दीदी का घर पड़ता है, और यहाँ पे पहुँच के थोड़ा जूस वूस पी लिया है। अभी 5-10 मिनट बैठते हैं, फिर निकलते हैं घर के लिए, क्योंकि शाम का बहुत टाइम भी हो गया है, और करीब करीब 6 बज गए हैं। 6 बज गए हैं ना 6 बज गए होंगे, घड़ी नहीं है यहाँ, मेरे हिसाब से तो 6 बज गए हैं। हाँ, तो अब घर के लिए भी निकलेंगे, मात्र 10 मिनट बैठूंगे, तो दीदी नाराज हो जाने ऑलरेडी। रास्ते में मेरा घर पड़ता है, मेरे वहीं नहीं आती है करके, और तो आना ज़रूरी था यहाँ भी, इसलिए फिर मिलती हूँ आपसे बाद में। और बच्चे छुप गए अंदर अभी, फिर मेरी दीदी के बच्चे हैं, वो बड़ी वाली है, ये छोटी वाली है। और अब मेरा जाने का टाइम आ गया है, अब घर को जा रही हूँ। तो बाय बच्चों। दीदी का मस्त शानदार वाला घर है, बहुत ही प्यारा वाला घर है। चलो 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 बाय फिर। अब हम आपको ले चलते हैं बैजनाथ मंदिर। बैजनाथ मंदिर बहुत नज़दीक पड़ता है यहाँ से कम 5 मिनट पर हम पहुँच जाएंगे। और जो एरिया में अभी हम चल रहे हैं, ये विनखोली का एरिया है, और बहुत ही बढ़िया है यार। यहाँ का जो व्यू आता है ना, बहुत ही बढ़िया आता है। पहुँच चुके हैं हम बैजनाथ मंदिर। मंदिर बैजनाथ का जो मंदिर समूह है ना, बहुत सारे मंदिर हैं यहाँ पे बने हुए हैं। और मेन सेंटर में यहाँ गणेश जी की मूर्ति है, और उसके पीछे है मेन बैजनाथ जी का मंदिर। और तो पूरे मंदिर समूह बने हुए हैं, बहुत सारे मंदिर हैं बैजनाथ में। देखो डॉगीज भी, शाम का टाइम हो गया था, करीब करीब हमें 5-6 बज चुके थे मंदिर में पहुँचते पहुँचते। और शाम के टाइम पे क्या है ना, थोड़ा हल्का हल्का बन दिख रहा है अभी, लेकिन फिर भी मैंने ब्लॉग बनाया, क्योंकि उतना उजाला नहीं था उस टाइम पे, ऐसा हो गया था मौसम ही, थोड़ा अंधेरा जैसा। और मोबाइल में भी थोड़ा डिफेक्ट आ रहा मेरा, जिसकी वजह से मोबाइल अचानक अंधेरा हो जा रहा मोबाइल में। तो कितना शानदार और मस्त व्यू दिख रहा है बैजनाथ मंदिर का, खूबसूरत सा मंदिर है। समूह हम दिखा रहे हैं, ये बैजनाथ मंदिर का रियल मंदिर है, ये सारे पूरा मंदिर समूह है। और यहाँ के आप देख सकते हैं
बहुत कुछ। लेकिन इस मंदिर का रहस्य मैं आप लोगों को बताऊंगी कि ये मंदिर लॉक क्यों है। बैठे हुए हैं अभी दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। इस मंदिर जो मंदिर लॉक है ना उसके छत पे ना कबूतरों का ऐसा झुंड बैठा रहता है। अभी तो सामने एक ही कबूतर दिख रहा है लेकिन पूरे कबूतर रहते हैं यहाँ। और ये वाला जो मंदिर है ना अभी ये तो खाली है, इसके अंदर कुछ भी नहीं थी मूर्ति उर्ति। और जिस मंदिर को मैं दिखा रही हूँ ना अभी आपको, इस मंदिर में पुरातत्व विभाग ने इस मंदिर को लॉक कर दिया है। बैजनाथ मंदिर लॉक क्यों किया है कबूतरे हैं ये आप लोग जानते ही होंगे। कौन से वाले मंदिर में इस पे ना पूरे लॉक मतलब सरकारी मोहर लग के लॉक हुआ है ये मंदिर। इस मंदिर मैं आपको दिखा रही हूँ ये वाला मंदिर देखो पूरा सरकारी मोहर लग के लॉक हुआ है। इस मंदिर के अंदर ना पुरातत्व विभाग का ही कब्जा है, उनका पूरा सामान इसमें रहता है। बहुत ही हीरे मोती और डायमंड से भी कीमती इस मंदिर के इसके अंदर पुरातत्व सामान रखा गया है। मंदिर का पूरा आलीशान और खूबसूरत सा आपको हम मैं दिखा रही हूँ। ये पूरा प्रांगण है मंदिर का, आंगन मतलब मंदिर का, इधर साइड को साइड से बना रही हूँ। इतना प्यारा और मस्त है ना, शाम का टाइम हो गया मंदिर क्लियर नहीं आ रहा है, क्या बताऊँ मैं। मंदिर पूरा मंदिर मैंने आप लोगों को दिखाया, अब उसी के नीचे बना हुआ है झील। यह है बैराज झील, बहुत खूबसूरत ये झील है। इस झील का देखने का जो मजा है ना, जो आकर्षण है ना, सुबह के टाइम पे बहुत अच्छा आता है। अभी तो शाम का टाइम हो गया था, उतना अच्छा नहीं हुआ। आप जानते हैं कि शाम के टाइम पे पानी में छाया ज़्यादा दिखती है, अंधेरा होने लगता है, तो फिर भी मैंने बनाया। बहुत ही खूबसूरत मनमोहक है बैजनाथ मंदिर। पार्किंग का है ये, सेकंड फ्लोर भी है और ये फर्स्ट फ्लोर है। लेकिन गाड़ी लाने का यहाँ से ये रूट है, यहाँ से नीचे गाड़ी ला सकते हैं। पार्किंग काफ़ी बड़ी है यहाँ की, बहुत बड़ा है पार्किंग का। यहाँ टूरिस्ट का बहुत आवागमन होता है गर्मियों के टाइम पे। तो फिलहाल अभी हम पहुंच चुके हैं बैराज झील में, बैजनाथ पहुंच चुके हैं। और यह है बैराज झील और ये पुल है। और दिखा रही हूँ आप लोगों को झील, छाया पूरी छाया दिख रही है ना अभी इसमें। ऐसे क्यों हो रहा होगा झील ये है? अभी हम बैजनाथ झील के आसपास पहुंच चुके हैं। अरे मैंने जूम कर कभी तो नहीं दिख रहा यार वो। ये है झील, पूरी पानी से पूरी लबालब भरी हुई है। पर ये बैराज झील की ना बीचों बीच देखो ना कितने प्यारे प्यारे पेड़ लग रहे हैं। और झील में भी पेड़ की छाया दिखाई दे रही है, वो बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता है और अच्छा भी है। और बहुत भीड़ भड़ाका भी हो रहा है क्योंकि गर्मियों का सीजन चला है और टूरिस्ट वाले भी आते रहते हैं। ये रेलिंग यहाँ से क्यों नहीं लगी होगी, टूट के नहीं तोड़ोगे? यहाँ पे ना रेलिंग भी तोड़ दिए किसी ने, नदी से टूटे होंगे ना। अच्छा तो बैराज झील देखो, ये पार्किंग का इतना बड़ा बनाया हुआ है, पूरा पार्किंग का है। नेता जी आगे आगे चल रहे हैं, मैं पीछे पीछे वीडियोस बना रही हूँ। किनारे किनारे लगे हैं रेलिंग, बहुत ज़्यादा बढ़िया। छोटे छोटे बच्चे बैठते हैं इस बैलून के अंदर
और बोट अभी शांत हैं, चल नहीं रही क्योंकि अभी उतनी भीड़ नहीं है बस देखने वालों की। यहाँ पे मच्छी पालन का बहुत ज़्यादा है, बहुत सारी मच्छियाँ इकट्ठे रहते हैं यहाँ पे सीढ़ियों के यहाँ पे। सुना है यहाँ पे मच्छियाँ मारना मना है, जो लोग मच्छी मारते हैं ना भोलेनाथ उनको श्राप दे देते हैं और वो किसी न किसी दुविधा में फंस जाते हैं। कितने लोग तो यहाँ डूब के मर भी चुके हैं पहले, इसलिए कभी भी यहाँ पे नहाने मत जाया करो और मच्छी मारने के इरादे से मत जाया करो। कई प्रकार की मच्छियाँ यहाँ आजकल पाली जाती हैं, पहले टाइम पे यहाँ पे ना नेचुरल मच्छियाँ हुआ करती थी, अब तो बीज डाल के कई प्रकार के मच्छियाँ पालन होता है यहाँ पे। तो आप लोगों को मैंने जो आज बैजनाथ मंदिर धाम दिखाया है, तो आप लोग कमेंट में प्लीज़ ज़रूर बताना आप लोगों को कैसा लगा। और अब ब्लॉग की मैं एंडिंग कर देती हूँ क्योंकि ब्लॉग बहुत लंबा हो जाता है, तो ब्लॉग एंडिंग कर देती हूँ। ब्लॉग एंडिंग करने से पहले कल मिलते हैं आपसे नई सुबह के नए ब्लॉग के साथ, एक नई रहस्य के साथ आप लोगों से मिलूंगी। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।